यहां कुछ आरोप लगाने की फैशन है, लेकिन कुछ आरोप ऐसे उसके जवाब घटनाएं खुद दे देती है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। जम्मू कश्मीर में हाल में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान के जो आंकड़े हैं वो पिछले 4 दशक के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं, और इसको सिर्फ कोई घर से गया बटन दबा के आया इतना नहीं है, भारत के संविधान को स्वीकृति देते हैं, भारत के लोकतंत्र को स्वीकृति देते हैं, भारत के इलेक्शन कमीशन को स्वीकृति देते हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस है आदरणीय सभापति। देशवासी जिस पल की प्रतीक्षा करते थे वो आज इतनी सहज सरलता के सामने दिख रही है आदरणीय सभापति। बीते अनेक दशकों में बंद, हड़ताल, आतंकी धमकियां, इधर उधर बम धमाके की कोशिशें एक प्रकार से लोकतंत्र पर ग्रहण बनी हुई थी। आज इस बार लोगों ने संविधान पर अटूट विश्वास रखते हुए अपने भाग्य का फैसला लिया है। मैं जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। आदरणीय सभापति जी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से हमारी लड़ाई एक प्रकार से अंतिम दौर में है, अंतिम चरण में है। आतंक के बचे हुए नेटवर्क को भी हम सख्ती से नेस्त नाबूद करने के लिए पूरी व्यूहरचना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीते 10 वर्षों में पहले की तुलना में आतंकी घटनाओं में बहुत गिरावट आई है। अब पत्थरबाजी की खबरें भी शायद ही किसी कोने में एक आध बार आ जाए तो आ जाए। अब जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव खत्म हो रहा है और इस लड़ाई में जम्मू कश्मीर के नागरिक हमारी मदद कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, ये सबसे जरा विश्वास पैदा करने वाली बात है। आज वहां टूरिज्म नए रिकॉर्ड बना रहा है, निवेश बढ़ रहा है। आदरणीय सभापति जी, आज जो क्योंकि उनकी जो चुनावी हिसाब किताब होता है, नॉर्थ ईस्ट से इतनी ही लोकसभा की सीटें हैं, क्या उससे राजनीति में फर्क पड़ता है? कभी कोई परवाह ही नहीं, उसे उनके नसीब पर छोड़ दिया था हमने। हम नॉर्थ ईस्ट को आज